सी आई ई -E टी एन सी ई -E आर टी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा तीन की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का अठारवा पाठ ऐसे भी होते हैं घर मेरा नाम नसीम है मैं श्रीनगर में रहता हूँ कल से हमारे स्कूल में बहुत चहल पहल है यह पूरे सात दिनों तक रहेगी जानते हो क्यों हमारे स्कूल में कैंप जो लगा है कैंप में कई जगहों से बच्चे आए हैं मैदान में टेंट लगाकर सबके रहने का इंतजाम किया गया है हमने स्कूल को खूब सजाया है कुछ बच्चों ने कपड़ों की कतरनों से झालर बनाकर उन्हें दरवाजे पर लगाया है कुछ ने बादाम के छिलकों से पोस्टर बनाए हैं कहीं तो सूखे पत्तों तथा लकड़ी के बुरादे से रंगोली बनाई है आज कैंप का पहला दिन है हम सब बहुत खुश हैं सुबह सब बच्चे इकट्ठे हुए सब बच्चे ज़मीन पर एक गोला बनाकर बैठ गए सबने अपना अपना परिचय दिया सबने अपने बारे में बताया कि वे कहाँ रहते हैं क्या खाना पसंद करते हैं बच्चे अपने साथ अपने घर और परिवार की तस्वीरें भी लाए हैं बारी बारी से सब बच्चों ने अपने घरों के बारे में भी बताया सबसे पहले भूपेन के समूह की बारी आई भूपेन ने अपना नाम बताया और कहा मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं इन्हें मज़बूत बांस के खंभों पर बनाते हैं ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं भूपेन के यहाँ घर बांस के खंभों पर क्यों बनाते हैं इन मकानों की छतें कैसी हैं इन्हें ऐसा क्यों बनाया जाता है इन मकानों में अंदर जाने का क्या तरीका है रात के समय इन मकानों की सीढ़ी हटा देते हैं बताओ क्यों अब आई चमेली की बारी उसने कहा मैं मनाली से आई हूँ जो एक पहाड़ी इलाका है हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं चमेली का घर किस इलाके में है चमेली और भूपेन के मकानों की छतों में क्या समानता है ऐसी छतें इन इलाकों में कैसे मदद करती हैं अब सुनो मिताली और अनुज ने बताया मिताली और अनुज दिल्ली से आए हैं उन्होंने सबको दिल्ली की तस्वीरें दिखाई एक तस्वीर में ऊंची-ऊंची इमारतें देखकर भूपेन बोला अरे इतने ऊंचे मकान इनमें ऊपर तक कैसे चढ़ते हो इन मकानों को देखो और पता करो कि क्या तुम्हारे यहाँ भी ऐसे मकान हैं बहुमंजिले मकानों में ऊपर कैसे चढ़ते होंगे दिल्ली भारत की राजधानी है दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गांवों और कस्बों से लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह कम बहुत लोगों के पास मकान होते ही नहीं उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है और कई लोगों के पास वो भी नहीं लोग जहाँ मिले वहीं सो जाते हैं सड़क पर फुटपाथ पर स्टेशन पर वाकई शहरों में घर की बहुत बड़ी समस्या है काशी राम ने बताया मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूं। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं इसी तरह सभी टोलियों ने अपने अपने घरों के बारे में बताया परिचय के बाद रंगारंग कार्यक्रम हुआ बच्चों ने तरह तरह के नाच किए अपनी अपनी भाषा में लोकगीत सुनाए सब ने इलायची और बादाम डला हुआ कहवा यानी चाय पिया बहुत मज़ा आया शाम को हम सब डल झील घूमने गए वहाँ हमने एक हाउस बोट देखी शिकारे में बैठे कुछ बच्चों ने चप्पू भी चलाया चारों तरफ नीले नीले पहाड़ और बीच में चार चिनारी हाउस बोट दूसरे घरों से अलग हैं कैसे क्या तुम ऐसे घर में रहना पसंद करोगे क्यों चित्र देखकर मिलान करो यहाँ पर अलग अलग तरह के घरों के चित्र हैं जैसे इग्लू, हाउस बोट बहुमंजिला मकान तंबू, झोपड़ी। अब आप इन मकानों के नाम नाम का चित्र से मिलान करो तुम्हारा तो घर किन किन चीज़ों से बना है उस पर सही का निशान लगाओ घास मिट्टी लकड़ी सीमेंट कैनवास लोहा प्लास्टिक चूना बांस, ईंटें, कांच पत्थर अपने घर के आसपास के मकानों को देखो वे किन किन चीज़ों से बने हैं उन चीज़ों की सूची बनाओ मकान जिन चीज़ों से बनते हैं उन चीज़ों के नमूनों को इकट्ठा करो आओ ईंट बनाएँ चिकनी मिट्टी को गूंद लो खाली माचिस में दबा कर भरो सुखा कर निकालो तुम्हारी छोटी सी ईंट तैयार हो गई अपनी ईंटों पर तरह तरह के रंग करो उस पर अपना नाम भी लिखो इन सभी ईंटों को मिलाकर एक रंग बिरंगा घर बनाओ घर की छत को भी सजाओ कई तरह के घरों के चित्र इकट्ठे करो या उनके चित्र बनाओ चित्रों से एक सुंदर चार्ट बनाओ कक्षा में उसे सजाओ। ऐसे भी होते हैं घर अभी आप सुन रहे थे कक्षा तीन की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का ये पाठ प्रस्तुति सी आई ई टी -E एन सी ई आर -E टी नई दिल्ली भारत